कल कामठी तालुका की जो बैठक थी माननीय सुनील केदार साहब ने लिया, उस बैठक में मेरे को शासकीय बैठक का निमंत्रण था। मैं बैठक में गया तो वहाँ जो आमदार के लिए, एक विधायक के लिए जो कुर्सी की व्यवस्था या बैठने का प्रोटोकॉल रहता है वो उन्होंने नहीं रखते हुए पूरे कांग्रेस के लोग सुनील केदार के आजू बाजू में थे। मैं साइड में जाके बैठा और जब मेरा स्वागत करने लगे तो मैंने बताया कि कोविड होने के कारण मैं स्वागत स्वीकारता नहीं। मेरे को ये दो मुद्दे हो गए, उस दो मुद्दे के ऊपर मेरे को चर्चा करना है। तो सुनील केदार साहब ने बोला कि तुम ये मीटिंग खत्म हुए बगैर बोलने का अधिकार तुमको मैं नहीं देता। यदि मेरे को बोलने का अधिकार नहीं है, मेरे 5 लाख लोगों का यदि प्रश्न रखने का अधिकार नहीं है, तो मैं उस बैठक में रहने का मेरा कौन सा मतलब है। ऐसा करके मैं उनका निषेध किया। मेरे ऊपर सुनील केदार, सुरेश भोर और कांग्रेस के कार्यकर्ता चढ़ के आए और गलत शब्दों में मेरे साथ में बातचीत की। मेरे खिलाफ वहाँ पे वीडियो क्लिप वहाँ पे उपलब्ध है। वहाँ के पुलिस के सभी कर्मचारी वहाँ पे थे, SDO वहाँ पे था, कलेक्टर वहाँ पे था, नागपुर जिल्ला परिषद का CO वहाँ पे था। गालियाँ कौन सी गालियाँ दे मैडम? अरे बात नहीं करना है, उन्होंने बात नहीं करना चाहिए। मंत्री महोदय ने जो आदेश दिया था उसका उनका नियम का पालन उन्होंने करना चाहिए था ना। वो वहाँ के विधायक थे और विधायक गाली दिया ही नहीं। आप अच्छे से देखो, मैंने कभी उसमें क्लिप में गाली नहीं है। मैंने गाली कौन सी गाली दिया? गाली दिए ही नहीं, ऊंची आवाज में बात हुई। सभी वहाँ के जो लोग हुए वहाँ पे, सब कार्यकर्ता इकट्ठा जमा हुए वहाँ पे। जो पहले उन्होंने जो बात की थी ना वो गलत किया था। वो एक ही शब्द ने मेरे को बोलने के बाद में मैंने बोला वो तू शांत रह करके। मैं उसके जो क्लिप में जो नहीं है वो पहले स्टार्टिंग में उन्होंने बोला है कि तुम बीच में पढ़ना नहीं। मंत्री महोदय से बात कर रहा हूँ, मेरे को बीच में पढ़ना नहीं, ऐसा उन्होंने बोलने के बाद में मैंने उनसे बात किया। मैं उनका भी निषेध करता हूँ और मैं उसकी पुलिस तकरार करने वाला हूँ। सुनील केदार साहब के ऊपर मैं निश्चित रूप से सभागृह में हक्का मंग लाऊंगा और कांग्रेस ने जो हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया, पूरे जिले में हमारी भारतीय जनता पार्टी तालुका तहसीलदार और थानेदार उनके पास जाके निवेदन देंगे, सुनील केदार का निषेध करेंगे और सुरेश भोयर को गुना दाखिल करो, ये मांगनी हमारी रहेगी। मैंने कोई अपमान किया नहीं, मेरे पे अगर गुना भी दाखिल करना है तो मेरे को कोई परवाह नहीं, क्योंकि गलती नहीं की है तो गुना दाखिल करने का सवाल ही नहीं वहाँ पे उठता मेरे हाथ से। ये तो मेरे को तो मेरा तो संबंध अच्छे है सुनील केदार साहब से। सुरेश भोयर और कांग्रेस के जो झटका विधानसभा में मिला उसका अभी तक वो झटके से उभरे नहीं है और वो हिसाब से सुरेश भोयर एकदम सुनील केदार साहब का खास आदमी है, तो उसके वजह से मेरे विरोध में उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। मैं MLA हूँ, टेकचंद सावरकर या भाजपा ये अलग चीज़ है। MLA का सम्मान करना, उसका जो भी प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके साथ में बर्ताव करना, ये मंत्री महोदय का कर्तव्य है। और कामठी के विधायक वहाँ पे पौन घंटा लेट आए, आने के वजह से वो लेट आए। प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्होंने मंत्री के पहले वहाँ पे आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आए। और आने के बाद में वो स्टेज पे बैठने के बाद में वहाँ के तहसीलदार और SDO ने वहाँ उनका स्वागत किया। बाकायदा सभी प्रोटोकॉल वहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट के तरफ से वहाँ पे रखे गए। ऐसे में मैं उनसे यही विनती करता हूँ कि ये द्वेष भावना छोड़ के जब आपने शपथ लिया था तब बोले थे उन्होंने कि मैं कोई द्वेष भावना से किसी के साथ व्यवहार करूंगा नहीं। अगर ऐसा ही व्यवहार इस नागपुर जिले में चल रहा है उसका मैं निषेध करता हूँ। हमारी भूमिका कुछ नहीं, हमारी भूमिका एक ही है, काम नागपुर जिले में डेवलपमेंट होना चाहिए, कामठी मोहदा में विकास का काम होना चाहिए, ये हमारी भूमिका रहेंगी। आगे चल के सुनील जी केदार साहब के नेतृत्व में हम नागपुर जिले में अच्छा विकास करेंगे। हमारी महाराष्ट्र में महागाड़ी की सरकार है, सरकार के माध्यम से ये पूरे जिले में अच्छा विकास करने का काम हम जरूर करेंगे। अगर कोई विकास के काम में आ रहा था तो हम उसको छोड़ेंगे भी।